माता रानी का प्रसाद हर घर में ही बनता है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कन्या पूजन के टाइम पर बनने वाली बहुत आसान रेसिपी, जिसमें हम गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनाएंगे और साथ में ही 5 मिनट में बनने वाली मसालेदार काले चने की रेसिपी, और साथ में ही मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म गेहूँ के आटे से फूली फूली मेथी और अजवाइन वाली पूरी। तो इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वाली रेसिपी। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये काले चने ओवरनाइट सोक कर लिए थे। तो यहाँ पे ये चने मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि मैं ये कन्या पूजन के प्रसाद के लिए बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चने कम ज़्यादा कर सकते हैं और चनों को हमेशा ओवरनाइट सोक जरूर करिए। तो यहाँ पे ये तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता डाला है और थोड़ा मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, आधी छोटी चम्मच के बराबर। अब मैं यहाँ पे ये चने डाल दूँगी और एक साइड से ऐसे ढक्कन लगा दूँगी क्योंकि चने तेल में डालते ही ना तो बहुत जल्दी से इसके स्टीम बनती है, तो इसीलिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो बस ये सारे चने मैं इस पर डाल दूंगी। तो चने डालने के बाद मैंने एक बार इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये व्रत वाला सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी छोटी चम्मच से भी कम, और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये मैं कन्याओं के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चनों को मसालों के साथ, और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं चनों पर। अब मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है और इसको भी अच्छे से चला देंगे इस तरीके से। तो पानी हमेशा देखिए इतना लेना है कि चने हमारे हल्के से डूब जाएं। अब अगर आपके चने कम हैं तो आप पानी कम डालिए। तो यहाँ पे इस पर विसल आ रही है। अब हम चलते हैं अपनी पूरियों के लिए आटा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 कटोरी गेहूं का आटा लूँगी। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं कन्या पूजन के लिए ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे आटे का इस्तेमाल भी ज़्यादा करूँगी। अब मैं ये कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथों से रब करके ऐसे डाल दूँगी। अगर आप बनाते हैं कन्या पूजन में तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये अजवाइन लिया। ये चीज़ें डालने से ना पूरी का स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 छोटी चम्मच ऑयल लूँगी, जिससे कि आटे पे मॉइन लग जाएगा। इससे क्या है, हमारी पूरियाँ बहुत खस्ता और बहुत नरम मुलायम बनती हैं। अब हमें इसको अच्छे से मॉइन को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो पूरी का जो डो होता है ना वो बहुत सख्त बनता है और बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। ये देखिए बिल्कुल सख्त और मुलायम आटा इसको लगाना है, लूज़ आटा नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया है, इसे एक साइड पर रख देते हैं। अब चलते हैं हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई पे घी डाल दूंगी। तो जब तक घी मेल्ट हो रहा है हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे हलवे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 गिलास पानी लिया है और इस पे मैं 1 से 1.5 कटोरी, इस कटोरी की मैंने 2 कटोरी सूजी ली है तो इसी अकॉर्डिंग से मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी शुगर लूँगी। तो चीनी हमेशा सूजी के बराबर ही लेनी होती है। तो यहाँ पर इसके हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें यहाँ पर चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो इसको एक साइड पे रखते हैं और हमारा जो घी मेल्ट हो गया है यहाँ पे मैं ये सूजी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ये 2 कटोरी के बराबर सूजी लिया है। अब इसे अच्छे से इसके साथ हमें अच्छे से भूनना है। तो सबसे बड़ी मेहनत का काम ना इस पूरे प्रसाद में हलवा बनाना ही होता है, क्योंकि जितने अच्छे से सूजी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट हमारे हलवे का बनेगा और दाना दाना इसका खिला खिला सा बनेगा। तो बस इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू स्टियर करते रहेंगे। ये देखिए जब हल्का सा इस पर कलर आने लग जाए ना, हल्का सा ब्राउन, तो यहाँ पे हमें बादाम डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, किशमिश कुछ भी ले सकते हैं। तो इसे भूनते रहते हैं तो एक बार चाशनी की तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो मैं यहाँ पे कुछ केसर के धागे डाल दूंगी और इसको एक बार अच्छे से बॉईल करके इसको साइड पे रख देते हैं। तो ये हमारी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रसाद है इसे छोड़ना नहीं है। जब इस पे इस तरीके से कलर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच। तो जब हल्की सी सूजी ब्राउन हो जाए ना उसके बाद ही हमें कोकोनट लेना होता है, क्योंकि जो कोकोनट है ना ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी से भून जाता है। तो बस इसको 3-4 मिनट और कंटिन्यू स्टियर करते रहेंगे इसी तरीके से। अब ये हो चुका है। अब हमने जो चीनी के पानी बना के तैयार किया था ना इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी
पानी भी हमने 3 से 4 गिलास लिया है, जितना हम सूजी लेते हैं उससे दुगना हमें यहाँ पे पानी लेना होता है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सूजी को इस तरीके से, और फटाफट से हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। ये देखिए, अब जैसे ही कवर लगाएंगे तो मैंने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो इसकी स्टीम होती है ना वो काफ़ी अच्छे से बनती है और सूजी का दाना दाना एकदम खिला खिला सा बनता है इस तरीके से। तो देखिए, अब इसकी मैंने फ्लेम को सिम कर दिया है और मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, तो जो सूजी है ना कितनी मस्त बनी है, ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है यहाँ पे सूजी के हलवे का। स्टीम बनने से क्या होता है, वो खुद से ही प्रोसेस होके जो कुक होती है ना सूजी, तो वो बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। देखिए बिल्कुल खिली खिली हमारी हलवा बन के तैयार है, ये देखिए परफेक्ट है, बिल्कुल एक एक दाना इसका खिल खिल गया है। तो बस इसको अभी मैं 2-3 सेकंड और कुक कर लूँगी। ये देखिए, तो हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच घर का बना हुआ घी लास्ट में डाल दूँगी ऊपर से। अभी जो सूजी है वो गर्म है और बस इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। 1 चम्मच घी में और डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसे कवर लगा के हम एक साइड रख देंगे। तो आपको अगर सूजी का हलवा आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके घर में सबको ही बहुत पसंद आएगा। ये ट्रिक है, आप जो आपको कोई नहीं बताएगा कि हलवा बनने के बाद घी जरूर डालिए। बस इसे रख देते हैं साइड पे। अब हम अपने चने चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से हमारे चने भी कुक हो गए हैं, तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये चने बहुत अच्छे से कुक हो गए, लेकिन अभी जो इसमें है ना थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। ये देखिए, अगर आपका थोड़ा सा पानी बच जाता है तो मैं इसको वापस से फ्लेम पे चढ़ा देती हूँ और इसका जो पानी है ना पूरा सुखा लेंगे। ये देखिए, सारा पानी जब सूख जाता है चनों पे इस तरीके से, तो जो मसाला है ना वो चने के ऊपर चिपक जाता है और बिल्कुल मसालेदार चने बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, बस ये भी हमारे तैयार हो गए। अब चलते हैं पूरी बनाने की ओर। तो यहाँ पे मैंने ये डो ले लिया है थोड़ा सा, और इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे पलथन या सूखा आटा नहीं लगाती हूँ, मैं पूरी बनाने के लिए हल्का सा इस तरीके से ऑयल लगाएंगे और इसको पूरी की शेप में बेल लेंगे। तो पूरी आपको कितनी बड़ी छोटी मोटी पतली जो बनानी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से पूरी को बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरियों को बेल लिया है। ये देखिए, इस साइज की मैंने पूरी बनाई है, ना ये कहीं से चिपकी है और ना ही कहीं से ये फटी है। हल्का सा ऑयल लगा के आप पूरियों को बेलिए, बहुत अच्छे से पूरियाँ बेल जाती हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अब एक एक करके मैं यहाँ पे इन पूरियों को तल लूँगी। तो अभी हमें यहाँ पे इसे टच नहीं करना है, कुछ सेकंड के बाद हमें इस तरीके से इसके ऊपर का ऑयल जो है ना वो हटाना है। जब ऑयल हट जाएगा फिर हल्के हाथों से हमें इसको प्रेस करना है। ये देखिए, पूरी फूल गई ना, तो ये ट्रिक है पूरी को फुलाने का। तो यहाँ पे ये फूल गई, अब इस पर अच्छा सा कलर आने देते हैं और कुछ सेकंड के बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, आया ना पूरी वाला कलर, बिल्कुल हलवाइयों वाला कलर। अब इसको भी हल्के हाथों से ऊपर से प्रेस करना है ताकि पीछे वाली साइड से भी ये अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक ट्रिक है कि पूरी को तेल पे डालने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका ऊपर से ऑयल को हटाना है और फिर हल्के से प्रेस करना है, तो बस आपकी पूरी फूल जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, तो ये पूरी अच्छे से फूल गई है। अब मैं सेम तरीके से एक और पूरी तलती हूँ। ये मैंने पूरी डाली और कुछ सेकंड के बाद मैं इसका जो ऑयल है इसे इस तरीके से हटाऊंगी, और जब ऑयल हट जाता है हल्के हाथों से इसको इस तरीके से प्रेस करना है चारों तरफ से। ये देखिए, ऐसे करते ही हमारी पूरी फटाफट से फूल जाएगी। फिर इसको टर्न कर देंगे, टर्न करने के बाद भी इसको हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे घुमा घुमा के हमें इसको चारों तरफ से तल लेना है। तो बस ये भी मेरी एक और पूरी बन गई है। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी पूरियों को तल लेती हूँ। देखिए, सारी पूरी मेरी फूली फूली बन के निकली है। तो बस मेरा तैयार है अष्टमी नवमी का प्रसाद, बन के तैयार हो चुका है गर्मा गर्म चने और रसीला हलवा और फूली फूली मेथी और अजवाइन वाली पूरी। तो बस मैं इसको जाती हूँ मंदिर में भोग लगाने के लिए, और उसके बाद मैं करूँगी कन्या पूजन, क्योंकि मेरे घर पर कन्याएँ भी आने लग गई हैं। प्रसाद मेरा बनके तैयार है, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद करेंगे कन्या पूजन। तो आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से अष्टमी नवमी की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे ये देखिए, एक एक करके मेरी घर पे कन्याएं आ रही हैं और करते हैं अब कन्या पूजन। तो मेरा प्रसाद तो बनके तैयार है। तो ये देखिए, ये एक और कन्या आ गई।
कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।